आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्यूबेस 5 के अंदर बेसलाइन पैटर्न कैसे बना सकते हैं ओबिन एक्सेस प्लगइन्स की मदद से। कोई भी प्लगइन्स हो, चाहे ड्यून 2 हो या फिर नाइट लाइव बीएसटी प्लगइन्स हो, कोई भी प्लगइन्स हो, आप बेसलाइन पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह का आपका बेसलाइन पैटर्न होगा, सिंपल में भी आप सुन सकते हैं इसको। और ये किक मैंने यहाँ पे लगा दिया है उसके साथ में। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं, हम आपको नए सिरे से बताते हैं कि किस टाइप से आप बेसलाइन पैटर्न बनाएंगे। दोस्तों, बेसलाइन पैटर्न का यूज सभी गानों में होता है, चाहे हिंदी गाना हो, भोजपुरी गाना हो, पंजाबी गाना हो, सभी में बेसलाइन पैटर्न का यूज होता है। यहाँ पे मैंने नेक्सस प्लगइन्स लिया हूँ, देख सकते हैं आप, ये बेस वाला टोन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रेसेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, प्रेसेट आप देख लीजिए कौन सा टोन आपका अच्छा है। वर्चुअल कीबोर्ड हम ऑन कर दें, इसको सुन भी सकते हो। तो जो आपका बी एस टी प्लगइन्स हो, उसका टोन जो अच्छा होना चाहिए, आप उससे बेसलाइन पैटर्न बना सकते हो। ये देख सकते हैं, एक से लेकर के दो तक, यानी कि एक बार के अंदर ही बनाएंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर लो स्केल पैटर्न बनाना चाहते हैं या फिर हाई स्केल बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर चौथे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे बॉक्स पे, फिर तीसरे बॉक्स पे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चौथा तीसरा, चौथा तीसरा, इतना ध्यान रखना है बस। आपका यहाँ से इस टाइप का आपका बेसलाइन पैटर्न बन जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ अलग टाइप का आपका बजेगा। और उसके बाद में इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। दूसरा तरीका है, इस वाले कॉलम के ऊपर नोट लगाएंगे तो इस टाइप से आपका जो बेसलाइन बीट पैटर्न है वो आपका बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीकों का आपका यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रेसेट हैं, आपको जो प्रेसेट अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें बहुत तरह के आपको नेक्सस में प्लगइन्स प्रेसेट मिल जाएंगे। और नाइट लैब बीएसटी आता है, उससे आप बना सकते हो बेसलाइन पैटर्न। ड्यून 2 आता है, हाई प्लगइन्स आता है, डीप वीएसटी आता है, उससे भी आप बेसलाइन पैटर्न बना सकते हो। दोस्तों, बेसलाइन का यूज़ सभी गानों में होता है, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, पंजाबी, राजस्थानी, कोई भी गाना हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाइएगा।